हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डू डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स. कि अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स क्यों डालते हैं. आंसर, बिकॉज क्योंकि वो अपने वेदर पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है और उनके कल्चर पे डिपेंड करता है, इसलिए डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स डालते हैं. सेकेंड, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ग्रो कॉटन. कॉटन को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशंस की जरूरत होती है. कॉटन को ग्रो करने के लिए उसको टेम्परेचर चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए रेनफॉल चाहिए होती है 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर. और जो सोयल चाहिए होती है वो ब्लैक सोयल बेस्ट होती है इसके लिए. देन क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉटन ऑब्टेन्ड. प्लांट के कौन से पार्ट से हमें कॉटन मिलती है. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट के फ्रूट से हमें मिलती है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज वीविंग डिफरेंट फ्रॉम नीटिंग. वीविंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम दो यार्न्स को अरेंज करते हैं इकट्ठे, और नीटिंग के अंदर हम सिंगल यार्न का यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, जूट हमें जूट प्लांट से कैसे मिलती है. जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम्स ऑफ जूट प्लांट. जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट मिलती है. देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, गिव द यूजेज ऑफ कॉटन. कॉटन के क्या क्या यूजेज होते हैं. आंसर, इट इज यूज टू मेक ए वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटीरियल. क्लॉथिंग मटीरियल बनाने के लिए यूज की जाती है, जैसे कॉटन की साड़ीज, शर्ट्स, बैग्स एटसेट्रा. और ये समर के क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज की जाती है. कॉटन सीड्स को हम ऑयल प्रोड्यूस करने के यूज लाते हैं. और जो कॉटन सीड मिल होता है जिसको हम खल कहते हैं, वो फीड लाइफ स्टॉक के लिए यूज की जाती है, पशुओं के चारे के लिए. यू हैव टू राइट एंड लर्न इट.